सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो मेरे चैनल पे। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप शेडिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं स्केच में करने वाला हूं और ये एक जिराफ का स्केच होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो हाँ, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश नगाटे, आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट आर्टिस्ट यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले मैं आईज से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस अगर आप आईज से स्टार्ट करते हो तो आपको इजी हो जाता है आपके स्केच को शेड करने में, क्योंकि गाइस द मेन थिंग इज़ आईज आपकी एक्यूरेट आनी चाहिए। जो जितने भी मतलब पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि आईज और नोज़, अगर पोर्ट्रेट में या रियलिस्टिक शेडिंग में नहीं, गाइस पोर्ट्रेट में, एनिमल पोर्ट्रेट्स में अगर आपके आईज और नोज़ करेक्ट आ जाते हैं, देन यू कैन गो फर्दर। क्योंकि गाइस अगर आपके वो तीन पार्ट्स करेक्ट नहीं आते हैं तो आपको पोर्ट्रेट थोड़ा अलग लग जाता है और अजीब दिखने लगता है। तो आप ये याद रखें कि आपके पोर्ट्रेट में सबसे पहले आइज़ करेक्ट आनी चाहिए, उसके बाद आप फर्दर जा सकते हो। अगर आपके आइज़ करेक्ट नहीं आते हैं तो उसको फिर से रब कीजिए एंड फिर से ड्रॉ कीजिए। सो गाइज, मैंने हाफ पार्ट कंप्लीट कर लिया है। और गाइज, आपको पहले ये याद रखना है कि अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ करने हो तो सबसे पहले आपको अपने पेंसिल को शार्प करना है, एकदम लॉन्ग पॉइंट बना देना है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप ब्लंट पॉइंट के साथ अपनी शेडिंग करोगे तो आपकी शेडिंग कहीं ना कहीं प्रॉब्लम और आपको एक प्रॉब्लम दे देगी आपकी पेंसिल शेडिंग में। तो ये याद रखो कि सबसे पहले शेडिंग करने से पहले आपकी पेंसिल को जिस शार्प कीजिए और लॉन्ग पॉइंट बना के उसको यूज़ कीजिए। सो गाइज, मैंने ड्राइंग आधी कंप्लीट कर ली, जो कि देख सकते हो गाइज आप, जो पोर्ट्रेट है गाइज मैंने हाफ कंप्लीट कर लिया है। और मैंने इसमें पूरी लेयर बाय लेयर शेडिंग की है गाइज, ना कि कहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं किया, कहाँ पर लाइट नहीं किया है, मैंने लेयर बाय लेयर की है, जिससे कि यहाँ पर देख सकते हो मुझे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले हैं। और गाइज, आप अभी थोड़ा सा रिकॉग्नाइज़ कीजिए, थोड़ा सा मतलब देखिए गाइज, अभी तक मैंने हाईलाइट्स नहीं किए, जहाँ पर भी हाईलाइट्स है वहाँ पर मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी है, क्योंकि गाइज अगर आप पहले ही हाईलाइट कर देते हो तो उसके ऊपर आप फिर से ब्लेंडिंग करने वाले हो तो आपका पेपर कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर आप बार बार रब करते हो। इसलिए तो आपको ये याद रखना है कि आपके ड्राइंग के एंड में आपकी पूरी शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी, ब्लेंडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी, तब आप अपनी ड्राइंग के ऊपर हाइलाइट्स कर सकते हो, जिससे कि आपका पेपर भी डैमेज होने से बच जाएगा और आपकी पेंटिंग भी और सुंदर दिखेगी। सो गाइज, मेरा हाफ प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। और गाइज, इसमें मैंने क्या किया गाइज, इसमें मैंने जो डार्क स्पॉट्स है गाइज जिराफ के फेस के ऊपर, उसको मैंने पहले ड्रॉ किया था। और उसके बाद मैंने जो मिडल टोन है, जैसे कि HB पेंसिल का यूज़ करके मैंने मिडल टोन को शेड किया है, तो देख सकते हो गाइज अच्छा दिख रहा है स्केच। और 10B पेंसिल का मैंने यूज़ किया है इसमें, ज़्यादातर डार्क एरियाज़ में मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है। तो आप भी यूज़ कर सकते हो 10B पेंसिल का, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। 10B पेंसिल का यूज़ करने से मतलब गाइस थोड़ा डार्क लेयर मिल जाता है। और गाइस, अगर आपको लाइट लेयर चाहिए तो 10B पेंसिल को थोड़ा सा कम प्रेशर से कर सकते हो, मिडल टोन मिल जाएगा, बट गाइस एकदम लाइट टोन नहीं मिलेगा, मैंने ट्राई किया था। और आप ट्राई कर सकते हो, कीजिए, बट HB पेंसिल यूज़ किया है गाइस मैंने लाइट टोन, और मिडल टोन में मैंने 2B और 4B 6B पेंसिल यूज़ की है, और डार्क टोन के लिए मैंने 10B पेंसिल यूज़ की है। एज यूजुअल 10B पेंसिल ज़्यादा यूज़ होती है गाइस डार्क लेयर्स के लिए। अभी देख सकते हो स्केच में डार्क स्पॉट्स, डार्क लेयर्स ज़्यादा है और 10B पेंसिल का ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो ज़्यादा यूज़ हुआ भी है गाइस। तो आपकी पेंसिल को शार्प करके रखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पर मैंने किया है, पहले मैंने आपको बताया कि लॉन्ग पॉइंट करके रखिए और शार्प करके रखिए। और अभी ये वाला स्टेप, इसमें तो आपको 10B पेंसिल बहुत यूज़ करनी पड़ेगी। सो गाइज, मैंने अभी हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया है गाइज, लेयर बाय लेयर शेडिंग करके। और मैंने
इसने ज़्यादातर 10B पेंसिल यूज़ की है, जो कि देख सकते हो माउथ का पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अभी गाइस मैं ऊपर के पोर्शन के ऊपर जा रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेलिंग मैं ज़्यादा कर रहा हूँ गाइस 10B पेंसिल से, क्योंकि अगर आप कौन से भी पोर्ट्रेट या स्केच में डिटेलिंग नहीं करते हो तो आपका पोर्ट्रेट एकदम फ्लैट नज़र आता है। उसको थोड़ा 3D लुक देने के लिए आपको डिटेलिंग करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए कि आपकी हर एक डिटेल, अगर आप हर कुछ भी डिटेल कर रहे हो, मतलब कौन सा भी डिटेल स्केच हो आपका, ओल्ड मैन का स्केच हो या एनिमल का स्केच हो, उसमें डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान रखे, जिससे कि आपका पोर्ट्रेट एकदम उभर के ज़रूर आएगा। सो गाइज अभी आप देख सकते हो गाइज मैंने बैकग्राउंड तो कंप्लीट कर दिया है ब्लैक 10B पेंसिल का यूज़ करके। अगर आपको ऐसा बैकग्राउंड करना है और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि कैसे मैं बैकग्राउंड करता हूं एकदम अच्छे से, तो मुझे बताइए ज़रूर कमेंट्स में। और गाइज अभी मैंने हाफ ऑफ द फेस का कर दिया है, मैंने हाफ ऑफ द फेस शेडिंग कर दी है जैसे कि आप देख सकते हो। और गाइस बैकग्राउंड की वजह से हमारा स्केच जो कि है और भी उभर के आ रहा है और भी अच्छा लग रहा है गाइस हमारा स्केच, जो कि आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर दोगे, जो कि इमेज यहाँ पर देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ जो इमेज है ना गाइस, उसमें गाइस बैकग्राउंड थोड़ा अलग टाइप का है, बट जो कि हम लोग स्केच कर रहे हैं उसमें मैंने बैकग्राउंड खुद से चूज़ किया है, क्योंकि गाइस ऐसा मुझे लगता है कि ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है वो थोड़ा अच्छा सूट करता है गाइस ऐसे इमेज को, या ऐसे मैं जो स्केच बना रहा हूँ। क्योंकि गाइस अगर आप लाइट बैकग्राउंड करते हो और अगर आपका बैकग्राउंड वाइट है तो आपके जो वाइट हाईलाइट्स किए गाइस मैंने अभी यहाँ पर देख सकते हो, जो मैंने वाइट हाईलाइट्स किए वो अच्छे से नहीं दिखेंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और आइडिया लगाया और मैंने बैकग्राउंड को ही पूरा ब्लैक कर दिया, जिससे कि ये स्केच भी और अच्छा दिख रहा है। और आप भी ऐसे ट्राई कर सकते, ऐसे बैकग्राउंड शेड कर सकते हो गाइस, अगर आप कौन सा भी पोर्ट्रेट बना रहे हो या आप कौन सा भी स्केच कर रहे हो, आप एनिमल्स का स्केच कर रहे हो, एनिमल का ऐसा फेस स्केच कर रहे हो या मंकी का, और नहीं तो एक पोर्ट्रेट कर रहे हो तो उसमें ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड शेड कर सकते हो, या आप ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर सकते हो। ईजी है गाइस, चारकोल पाउडर या ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका बैकग्राउंड ईजिली शेड हो जाएगा, आप बना सकोगे ईजिली बैकग्राउंड। तो हाँ गाइस बैकग्राउंड तो अच्छा लग रहा है। और अभी मैं ऊपर के जो पार्ट को कंप्लीट कर रहा हूँ, जिससे कि ये स्केच भी और अच्छा लगेगा। सो गाइस मेरा स्केच हो चुका है कंप्लीट और आप देखिए इसका क्विक रिव्यू। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक, चैनल बनाया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाए न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए। तो गाइस इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, डू इम्प्रूविंग, टेक केयर एंड बाय बाय।